हेलो एवरीवन। बेटा जीके का हम लोग आरएमसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, और बहुत ही सिंपल पेपर आया था इस बार। करंट अफेयर्स बहुत आए थे, जो कटिंग एज मैंने लास्ट मोमेंट में बच्चों को दिए थे उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कुछ स्टैटिक डेटा आया है, वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को क्लास में कराया था। तो चलिए बेटा देखते हैं कैसा पेपर आया था। ठीक है, आप लोगों का तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आए हैं, तो इट वॉज बेटा ये जीके है आरएमसी। ठीक है, जीके आरएमसी जून 2019। ठीक है, 75 मार्क्स का होता है ये पेपर, और आपको एक घंटे मिलते हैं बेटा इसको करने के लिए। ठीक है, 1 आवर। ओके, तो पहला क्वेश्चन था नेशनल फार्मर्स डे। ठीक है, नेशनल फार्मर्स डे होता है 23rd of December। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो दिसंबर के करंट अफेयर्स से आया है। सो इट वॉज नॉट इन माई कटिंग एज करंट अफेयर्स, क्योंकि वो मैंने जनवरी से अप्रैल तक का बनाया था। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया, तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि थोड़ा सा हमें दिसंबर के भी करंट अफेयर्स देख लेने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो ईजी है, तो सारे 2, 3 एंड 4 सारे हमारे कटिंग एज से आए। वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्प्यूटी टू स्केल एंटार्क्टिकास हाईएस्ट पीक। ठीक है, द आंसर इज अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, एम्प्यूटी मीन्स, ठीक है बेटा, जिसके लिम्स नहीं होते कुछ ना कुछ। अरुणिमा सिन्हा, तो इनकी इनका एक लेग नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सबमिट किया है, फिर अब एंटार्क्टिकास की हाईएस्ट पीक। ठीक है, विंसन मैसिव भी इन्होंने सबमिट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ये यूएई ने होस्ट किया और इसमें कतर वॉज द विनर। ठीक है, तो मैंने इन शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस नहीं है बेटा। जहाँ जहाँ ऑप्शंस हैं वहाँ मैंने लिखे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो फीडबैक है ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दिया। ठीक है, दे हैव बेसिकली नोटेड डाउन आफ्टर गिविंग देयर एग्ज़ाम। जब उन्होंने जीके का एग्ज़ाम दिया तो बाहर आने के बाद उन्होंने अपने अपने डायरीज में नोट डाउन करे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सो देन उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो द क्रेडिट गोज़ टू माई स्टूडेंट्स बेटा, जिन्होंने क्वेश्चन मुझे बताए हैं। ठीक है, तो इसलिए मौका मिल रहा है, नहीं तो जीके का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। ठीक है, पता भी नहीं चलता कैसे क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन नंबर 4, रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था, कौन जीता इस बार? विदर्भ। ठीक है, ये टीम जीती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। बेटा इट इज़ अ बुक, हु ऑथर्ड दिस बुक, ये क्वेश्चन था। तो स्टेट्समैन है हमारे पी चिदंबरम। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संजीता चानू कौन से गेम से रिलेटेड है? सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से बेटा, एंड शी इज़ रिलेटेड टू वेट लिफ्टर बेटा, शी इज़ अ वेट लिफ्टर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और शी इज़ अ वेट लिफ्टर। द नेक्स्ट, अब आपको एक सीरीज दी है। ठीक है, 6, 5, 11, 10, 21, 36, -81। तो इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हैं हम? 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 और 10 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, और फिर 21 और 36 को ऐड करेंगे तो बेटा 57 आएगा। सो योर आंसर इज 57। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया था? अगर बी ई जी के का कोड ए डी एफ जे है, बी ई जी के का कोड ए डी एफ जे है, तो पी एस वी वाई का कोड क्या होगा? सो द आंसर इज, मैंने पहले से ऑलरेडी आंसर लिखा है। ठीक है, तो कैसे करा? बहुत ईजी है, बी ए, तो ए पहले आता है, बी बाद में आता है। सिमिलरली ई से पहले डी आता है, जी से पहले एफ आता है, के से पहले जी आता है। तो यहाँ पर भी पी से पहले क्या आएगा? ओ ना, एस से पहले क्या आएगा? आर, वी से पहले क्या आएगा? यू, वाई से पहले क्या आएगा? एक्स। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया आपको ये सवाल, बहुत ही सिंपल। जी के में एक दो क्वेश्चन पूछता है आपसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंगल लाइन बाइसाइकिल परेड, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पैरामिलिट्री फोर्स ने। ये कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है आपसे पूछ रहा है? ये पैरामिलिट्री फोर्स थी CISF। ठीक है, CISF ने सिंगल लाइन बाइसाइकिल परेड करवाई, और जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, तो इसमें अराउंड मोर देन 1200 पार्टिसिपेंट्स थे, नियर अबाउट 1327। ठीक है, ओके, द क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मिशन ऑफ एसेट मिसाइल, एसेट का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, तो ये तो काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये कौन सा मिशन था? इस मिशन का नाम क्या था? इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। ठीक है, तो इस मिशन शक्ति के तहत हमने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई। बेसिकली वॉरफेयर के वक्त सैटेलाइट्स का भी यूज़ होता है, ताकि
जो हम ताकि हमें दुश्मनों के एरियाज़ के बारे में पता चल जाए, तो हमारे पास एक एंटी सैटेलाइट, एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए था, तो वो हमने मिशन शक्ति के तहत बना लिया है। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट करी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स जो लो अर्थ ऑर्बिट को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स इज इफेक्टेड बाय, ठीक है, लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स इज इफेक्टेड बाय, बट अब नाउ आई डोंट हैव ऑप्शंस इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस है, लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स इज इफेक्टेड बाय, आप उसे इंटरस्टेलर डस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो जो डस्ट आपके कहाँ पर है, स्पेस में जो डस्ट है उसके वजह से भी लाइट इफेक्ट होती है। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर, एटमॉस्फेयर इज़ वन ऑफ द फैक्टर। तो मैं सारे यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेता हूँ क्योंकि वी डोंट हैव ऑप्शंस, तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स, जो बहुत दूर दूर के स्टार्स हैं उनकी लाइट किससे इफेक्ट होती है, मैं लिख लेता हूँ इंटर स्टेलर डस्ट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, देन वी हैव पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। आपने देखा होगा जिस सिटीज़ में पोल्यूशन है वहाँ से तो तारे दिखते भी नहीं है। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर एंड देन वी हैव एटमॉस्फेयर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो द फैक्टर जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी। अगेन इसमें भी ऑप्शंस नहीं है बेटा हमारे पास, बच्चों ने सिर्फ क्वेश्चन लिखा, ऑप्शंस नहीं लिख पाए वो, उनके पास टाइम नहीं था। तो ह्यूमिडिटी में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा, वेदर इज़ वन ऑफ द फैक्टर। वेदर के अंदर कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द फैक्टर, और वहाँ की लोकेशन इज़ ऑल्सो द फैक्टर, लोकेशन कैसी है वहाँ की। तो ह्यूमिडिटी, किसी भी जगह की ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब ऑप्शंस कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इसके ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज़ कन्याकुमारी, विच इज़ लोकेटेड वेयर, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल राइट। सो ये क्वेश्चन मैप रीडिंग से आया बेटा, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसका, मैप का। सो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नहीं, दिस इज, ए इज़ नॉट द आंसर, इट इज़ नॉट नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉट साउथ ऑफ इक्वेटर, द आंसर इज़ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बेटा, ठीक है, इवन नॉट साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मैं आपको ये एक बार बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, आपसे कन्याकुमारी पूछ रहा है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल आइडिया, हमारे पास स्पेस, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। इफ़ आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर मैं आपको नीचे वाला पार्ट दिखाऊं इंडिया का, ठीक है, तो अगर यहाँ पर कन्याकुमारी है बेटा, इफ़ दिस इज़ कन्याकुमारी विच इज़ इन तमिलनाडु, सो हेयर इट इज़ इक्वेटर, ये जो लाइन है वो इक्वेटर है, ठीक है, दिस लाइन इज़ इक्वेटर, और इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर है 0 डिग्री। सो यू कैन सी दिस कन्याकुमारी, दिस कन्याकुमारी इज़ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये लाइन है बेटा, दिस इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि कन्याकुमारी की लोकेशन क्या है, सो द आंसर इज़ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमने देखा है, नॉर्थ ऑफ कैंसर नहीं हो सकता, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो आए हम क्वेश्चन पे, चलो ठीक है। सो दिस वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या था, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ कन्या ऑफ इंडिया दैट इज़ कन्याकुमारी, इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं साउथ ऑफ इक्वेटर, नहीं साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो तो नीचे नहीं, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स अ बॉर्डर लाइन। रेड से मतलब मैंने बच्चों को बताया था कि रेड मतलब खतरा, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खतरा रहता है, इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ द आंसर, ठीक है। अच्छा, मायोपिक डिजीज इज़ रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज़ रिलेटेड टू आई बेटा, ठीक है। मायोपिया होता है आपका नियर साइटेडनेस, मतलब आपको पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, और वी कैन यूज़ कॉनकेव लेंस इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज रेड ब्लू एंड पर्पल कलर्स ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू पिगमेंट, देयर इज अ पिगमेंट बेटा विच इज़ नोन एज एंथोसाइनिन,
ठीक है, एंथोसाइनिन इज द नेम ऑफ द पिगमेंट। ठीक है, लाइफ साइंस से सवाल आया है, एंथोसाइनिन इज द नेम ऑफ द पिगमेंट। ओके, और इसके वजह से आपको प्लांट्स या बहुत सारे वेजिटेबल्स भी कलरफुल दिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीज़न। अच्छा, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, सारे मेरे कराए हुए क्वेश्चन है। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेटा, यूवी रेज। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, ये तो बहुत ईजी है, इट रिस्ट्रिक्ट यूवी रेज। अच्छा, डूरंड कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर सीइंग, सो वी हैव डन अप टू 19। क्वेश्चन नंबर 20 इज फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सर्फेस ऑफ वाटर फ्रॉम सबमरीन वी यूज विच इंस्ट्रूमेंट, पेरीस्कोप। वेरी सिंपल, वी यूज पेरीस्कोप। ओके, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हैपेंड इन पोखरान विच इज इन राजस्थान एंड इट टुक प्लेस इन विच ईयर, इट टुक प्लेस इन 1974 एंड द नेम ऑफ द मिशन वॉज स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, द नेम ऑफ द मिशन वॉज स्माइलिंग बुद्धा। ओके, नेक्स्ट 22, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, तो बेटा ये तारापुर पावर स्टेशन है, इंडिया के अंदर कितने पावर स्टेशन है वो भी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सो तारापुर इज़ द नेम, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन विच इज़ इन महाराष्ट्र, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन विच इज़ इन महाराष्ट्र, विच इज़ इन महाराष्ट्र। हाइग्रोमीटर क्या होता है बेटा, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करता है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज जॉन्डिस, माल फंक्शनिंग ऑफ लीवर कॉजेज जॉन्डिस बेटा। ठीक है, अगर लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री ना, ही वॉज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज फेमस फॉर सक्सीड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू, दिस इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, सक्सीड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये नेहरू के बाद ये प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज द थर्ड, फर्स्ट वॉज नेहरू, ही वॉज द थर्ड, तो नेहरू के बाद के प्राइम मिनिस्टर है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही साइंड ताशकंद एग्रीमेंट, बिल्कुल करेक्ट, ही साइंड ताशकंद एग्रीमेंट। एंड थर्ड, ही वॉज नोन एज द मैन ऑफ पीस, येस, दिस सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं RIMC में, तो सेम ऐसे क्वेश्चन UPSC में पूछता है बच्चों से। अच्छा, लाइट ईयर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, लाइट ईयर इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, ठीक है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं तो उनको हम लाइट ईयर से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पेलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, आंसर मैंने पहले से लिखा है, पेलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट रॉक बाय विच प्रोसेस, तो इसमें फिजिकल आई डोंट थिंक कि ये जो ऑप्शंस हैं बच्चों ने सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक बाय विच ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, जब सॉइल फॉर्म हो जाती है बेटा तो उसमें हम बायोफिजिकल कॉम्पोजिशन भी देखते हैं। बायोफिजिकल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो भी सॉइल है उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ है, कितने प्लांट्स उसमें डिकम्पोज होकर मिले हुए हैं, वो बायोफिजिकल कॉम्पोजिशन होता है किसी सॉइल का। किसी सॉइल का फिजिकल कॉम्पोजिशन का मतलब है उस सॉइल का कलर कैसा है ना, कभी आपने देखा होगा रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, वो सॉइल कैसी है, थिक है, लाइट है ना, तो वो फिजिकल कॉम्पोजिशन हो गया। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब है कि उस सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वो प्रोसेस है जिससे हम कहते हैं कि सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक। दिस इज़ बेसिकली जब सॉइल फॉर्म हो जाती है तो ये सारे उसके क्या हैं, कॉम्पोजिशंस हैं बेसिकली। सो आंसर इज़ नन, कॉम्पोजिशन का तो मतलब होता है कि सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ना, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से नन होना चाहिए इसका आंसर। अच्छा, 29 और ABC जो ऑप्शंस थे दे आर द पार्ट ऑफ सॉइल ओनली, ठीक है, उसमें बायोफिजिकल कॉम्पोजिशंस भी होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, तो मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें क्या हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज सिस्मोग्राफी या सिस्मोलॉजी, ठीक है, सिस्मिक वेव्स हम लोग बोलते हैं जो वेव्स अर्थक्वेक से निकलती है, तो अर्थक्वेक की स्टडी को हम लोग सिस्मोलॉजी कह सकते हैं। फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एट ESPN अवार्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, सो व्हाट विल बी द आंसर, अगर हम देखें तो आंसर इज पी वी सिंधु, ठीक है, शी इज़ अ शटलर, बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं, शी इज़ माई फेवरेट प्लेयर। अच्छा, नेशनल पार्क विच इज़ रिलेटेड टू एशियाटिक लाइन, आंसर इज गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क विच इज़ इन
विच इज़ इन गुजरात, नेशनल पार्क विच इज़ इन गुजरात. ओके ओके. नाउ द रूट ऑफ कैलाश मानसरोवर विच पास ही इज़ आस्किंग. आप लोग अगर कैलाश मानसरोवर जाओगे तो कौन से माउंटेन पास से जाओगे? बेटा दो माउंटेन पासेस हैं, एक उत्तराखंड में जिसका नाम लिपू लेक पास है, लिपू लेक पास है, ये मैंने माउंटेन पासेस में ज्योग्राफी में बच्चों को पढ़ाया भी है, और एक मेरा और एक नथुला पास है विच इज़ इन सिक्किम, नथुला पास. तो दोनों ही पास से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है. अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई तो जिसमें काफ़ी लोग ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं, तो इसीलिए पूछा गया बच्चों से. ठीक है, तो लिपू लेक पास कहाँ है? लिपू लेक पास इट इज़ इन उत्तराखंड, आई एम राइटिंग यूके, और नथुला पास इट इज़ इन सिक्किम. दोनों ही रूट हैं. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा मैप भी है, मैं आपको बना के दिखा दूँ. ठीक है, मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ. सपोज दिस इज़ द मैप, इसको मैं रब कर लेता हूँ. ठीक है, ओके. ठीक है, एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ. ठीक, सपोज दिस इज इंडिया, ओके, एंड दिस इज़ द पार्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कैलाश मानसरोवर लेक है. हेयर हेयर दिस इज़ योर कैलाश मानसरोवर लेक, कैलाश मानसरोवर लेक. और यहाँ पर एक तो रास्ता यहाँ से, ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है, ये है वाया लिपू लेक पास, और एक रास्ता सिक्किम से है. ठीक है, तो ये है लिपू लेक पास, दिस पास इज लिपू लेक, एंड दिस पास इज योर नथुला. ठीक है, अब ऑप्शंस में नहीं पता हमें क्या क्या दिए थे, नहीं तो हम लोग देख लेते हैं. ठीक है बेटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग. ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. 33, विच फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ 5G कवरेज? शंघाई इज़ द राइट आंसर. ये भी मैंने करंट अफेयर्स में बच्चों को कराया था. सो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ 5G कवरेज, द आंसर इज शंघाई. ठीक है, द आंसर इज शंघाई. अच्छा, इंडिया पॉजिटिव इज अ बुक ऑथर्ड बाय, इंडिया पॉजिटिव इज अ बुक ऑथर्ड बाय चेतन भगत, चेतन भगत. क्वेश्चन नंबर 35, सेपरेट हाईकोर्ट इज़ मेड फॉर आंध्र प्रदेश. बेसिकली पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब बाइफरकेट नहीं हुए थे तो एक ही स्टेट था आंध्र प्रदेश, और जब बाइफरकेट हुए तो हैदराबाद हाईकोर्ट वॉज द कॉमन हाईकोर्ट फॉर आंध्र प्रदेश एज वेल एज तेलंगाना. लेकिन 1 जनवरी 2019 से अमरावती में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बन चुका है सेपरेटली फॉर आंध्र प्रदेश. ठीक है, आंध्र प्रदेश. सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट. कहाँ बना है? अमरावती में. ठीक है, दूसरा हैदराबाद में, हैदराबाद इट इज़ इन तेलंगाना. अच्छा, सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पुणे. ठीक है, कहाँ हुआ ये? पुणे में हुआ सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया. फीमेल बॉक्सर रैंक वन इन 45-48 वेट कैटेगरी. ठीक है, जिसका वेट 45-48 है, द आंसर इज मेरी कॉम. ठीक है, वर्ल्ड की नंबर वन बॉक्सर है. PM launched India's first National Museum of Indian Cinema in Mumbai. In Mumbai, Maharashtra. Okay. The next one is former president honored by Bharat Ratna 2019. तीन लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसमें नाना देशमुख हैं और प्रणब मुखर्जी हैं और भूपेन हजारिका हैं. तो आपसे सिर्फ फॉर्मर प्रेसिडेंट पूछा है जिसको नवाजा गया भारत रत्न से, एंड द आंसर इज प्रणब मुखर्जी. ठीक है, प्रणब मुखर्जी. बाकियों को तो पॉस्थमसली मिला है, ठीक है, मरणोपरांत. ठीक है, लेकिन प्रणब मुखर्जी को, प्रणब मुखर्जी. ओके, PM लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश. आई राइट ARPR. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश. अच्छा, चीफ गेस्ट, हु वॉज द चीफ गेस्ट बेटा ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2019? RD मतलब रिपब्लिक डे परेड ना, तो कौन थे? द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, साइरिल
रामाफोसा, रामाफोसा, ठीक है, ये भी बच्चों को बताया था। सारे क्वेश्चंस बेटा करंट अफेयर्स से ही आए हैं। साइरिल रामाफोसा एंड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। मैस्कॉट ऑफ 2022 नेशनल गेम्स, ये बच्चों से हमने डिस्कस भी किया था। इन द आंसर इज क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, तो ये सारे ही कटिंग एज करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर नाउ 43। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 इज, कुछ स्टैटिक डेटा भी है। अच्छा, 43 इज सीईसी, ठीक है। तो मैंने बच्चों से कहा था कि बेटा इलेक्शंस, लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं और अब बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री हमारे फिर से मोदी आ चुके हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है कि हु इज़ द चीफ। सीईसी का मतलब होता है बेटा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कौन है अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो द आंसर इज सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे बच्चों के साथ। अच्छा, एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 इन हॉकी फेडरेशन, विच इज़ रिलेटेड टू हॉकी फेडरेशन, किसको एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है? द आंसर इज मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। इनमें से कौन सी एयरबोर्न डिजीज है? मीजल्स, ठीक है, मीजल्स एयरबोर्न डिजीज है, ठीक है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ओके, एंड इट इज़ एन एयरबोर्न डिजीज, ठीक है, जो हवा में फैलती है। इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज, ठीक है, फैलने वाली बीमारी है। अच्छा, लीवर, मिल्क एंड फिश ऑयल आर द सोर्स ऑफ विच विटामिन? द आंसर इज विटामिन डी, ठीक है। कभी कभी विटामिन डी की कमी से लोग कभी कभी वीकनेस भी फील करते हैं, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप मिल्क या फिश खा सकते हैं। उसके अलावा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं जब सनराइज होता है, ताकि आपको विटामिन डी मिल सके वहाँ से, ठीक है। अच्छा, वेट व्हेन आयरन गेट्स रस्टेड, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? जब लोहे पे रस्टिंग होती है, तो उसके वजह से वेट आयरन का क्या होता है? सबसे पहले ऑक्साइड्स ऐड होके तो इंक्रीज होता है वेट, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन करोजन के वजह से फिर डिक्रीज होता है। इंक्रीज फर्स्ट एंड देन लेटर डिक्रीजेस। अब ऑप्शंस क्या गिवन है, दैट वाज नॉट ना, दैट आई डोंट हैव, तो मुझे नहीं पता कि कैसे पूछा था। अगर सिर्फ इंक्रीज पूछा होता तो मैं इंक्रीज में टिक मारता। तो पहले तो इंक्रीज होता है क्योंकि ऑक्साइड्स ऐड होते हैं, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वी डोंट हैव ऑप्शंस बेटा, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स दोज हैव गिवन मी दिस क्वेश्चंस, ठीक है, नहीं तो हमारे पास ये क्वेश्चंस भी नहीं होते बेटा डिस्कस करने के लिए। अच्छा, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स, मेडल्स, ठीक है। विच फॉर्मेट विंडोज एनटी सिस्टम स्टोर? फॉर्मेट है NTFS, ठीक है, दिस इज एनटी फाइल सिस्टम बोलते हैं इसे, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। अच्छा, कंट्रोल, ये देखो कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों से। कंट्रोल जेड से हम लोग क्या करते हैं? अंडू, ठीक है, आपने देखा होगा कंट्रोल जेड हम कब दबाते हैं? कब कोई चीज़ हमें अंडू करनी हो, कोई चीज़ हम करते हैं और वो चीज़ अगर हमें नहीं करनी तो हम कंट्रोल जेड दबाते हैं। अच्छा, दीव, दमन एंड दीव में से दीव वॉज द कॉलोनी ऑफ पोर्चुगीज, ठीक है, तो यहाँ पर पहले पोर्चुगीज रहते थे, ठीक है, तो इट वॉज द कॉलोनी ऑफ पोर्चुगीज। वॉरन हेस्टिंग्स वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बेटा इन 70, गवर्नर ऑफ बंगाल। ये तो सारे हिस्ट्री के हैं, स्टैटिक डेटा है, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ मैसूर, सारे इजी सवाल हैं बेटा, मैसूर, किंगडम ऑफ मैसूर। वाटर बॉडी होम ऑफ लक्षद्वीप, विच वाटर बॉडी इज नोन एज द होम ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स? लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है बेटा? अरेबियन सी। कौन सी वाटर बॉडी है वो? अरेबियन सी। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बेटा, सारे इजी क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब 57, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा हुआ है, सॉल्ट लेक कौन सी है? अच्छा, सांबर इज अ सॉल्ट लेक, डल इज नॉट, चिलिका इज ऑल्सो अ सॉल्टी लेक, वुलर इज नॉट। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि सांबर होगा या चिलिका होगा। अच्छा, बेसिकली बेटा चिलिका इज अ कोस्टल लेक, चिलिका कोस्टल लेक है जिसको हम लोग लगून भी बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्ट लेक का आंसर सांबर होना चाहिए, ठीक है। चिलिका भी लेक है लेकिन वो तटीय लेक है या कोस्टल लेक है जिसको हम लोग लगून भी बोलते हैं, लगून, ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से सांबर सही होना चाहिए। अच्छा, दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन, इट इज़ इन एंटार्क्टिका बेटा, 58, ठीक है। जो दक्षिण गंगोत्री जो रिसर्च स्टेशन है, इट इज़ इन एंटार्क्टिका, ठीक है।
इट इज इन एंटार्क्टिका. द स्पीशीज विच इज एट वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इज कॉल्ड, ऐसी प्रजाति जो लिप्त होने के कगार में, उसको हम लोग बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज. क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज. ऐसी स्पीशीज जो लिप्त होने के कगार में हो, जैसे वल्चर्स इंडिया के अंदर लिप्त होने के कगार में हैं, चीता जैसे लिप्त हो चुके हैं कम्प्लीटली, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और वी हैव स्नो लेपर्ड विच इज़ अगेन एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, वन हॉर्न राइनोसोरस, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो कहीं ना कहीं लिप्त होने के कगार में है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 इज पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वराइटी ऑफ स्पीशीज, इट मीन्स लाइफ. द पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ इज बायोस्फीयर. ठीक है, मैं इसको बायोस्फीयर कह सकता हूँ. बायोस्फीयर बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड वाटर बॉडीज. ठीक है, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. हियरिंग रेंज ऑफ एयर इज, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 के ऑप्शंस नहीं है, नहीं तो ऑप्शंस के हिसाब से मैं देखता नहीं, वैसे बायोस्फीयर इज द राइट वन. ठीक है, अच्छा, हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 Hz to 20 kHz. ठीक है, टू 20 kHz, इसको कभी कभी ऐसा भी कहता है 20 to 20,000. kHz का मतलब होता है 20,000 Hz. टिल्टिंग ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब टिल्टिंग ऑफ अर्थ से बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं. टिल्टिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रियल एक्सिस है इट इज़ टिल्टेड 23.5 degrees, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरिएशन इन सीजन, बेटा आप देखोगे समर सीजन विंटर सीजन, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ अर्थ. अगर अर्थ टिल्ट नहीं होता तो थ्रू आउट ईयर कोई सेम सीजन होता, चेंजेस नहीं होते विंटर और समर. तो मैं लिखूँगा वेरिएशन इन सीजन. ठीक है, वेरिएशन इन सीजन. क्वेश्चन नंबर 63, लुब्रिकेंट्स डू, लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं? लुब्रिकेंट्स बेसिकली फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं. मशीन्स जब आपस में टकराती हैं या आपस में एक दूसरे को एक दूसरे के सरफेस में मूव करती हैं, तो हम लोग उसमें लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो और वेयरिंग टीयरिंग ना हो. ठीक है, सो लुब्रिकेंट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ठीक है, मैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने की बात लिखता हूँ. अब ऑप्शंस नहीं दिए हुए, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, बट इट इज़ द मेन पॉइंट. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस अगर दिए हो जाए तो हम लोग बात करते फिर. ठीक है, सो इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. पेनिसिलिन क्या है बेटा? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. एयरप्लेन इज एबल टू फ्लाई, अगेन ऑप्शंस नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं बेटा. एयरप्लेन क्यों उड़ता है? एक तो उसको थ्रस्ट की ज़रूरत है, थ्रस्ट इज़ द मेन फैक्टर. थ्रस्ट मतलब होता है जो फॉरवर्ड वाला मोशन है बेटा. ठीक है, जो फॉरवर्ड वाला मोशन, जो एयरप्लेन को फॉरवर्ड वाला मोशन मिलता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं. जो मिलता है बिकॉज ऑफ, जो मिलता है किसके वजह से? जेट इंजन्स के वजह से बेटा. ठीक है, या आप उन्हें प्रॉपलर्स भी कह सकते हो. मैं यहाँ पर जेट इंजन्स की बात करूँगा. अगर आपने कोई भी प्लेन देखा हो तो उसमें जेट इंजन्स लगे रहते हैं ना, तो जेट इंजन्स इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ लिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना. एयरप्लेन को लिफ्ट मिलनी चाहिए ना, तो लिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एयरप्लेन्स के विंग्स रिस्पॉन्सिबल है. विंग्स का शेप इस तरीके का होता है कि जो एयर है वो दो हिस्सों में बटती है और उसको लिफ्ट देती है. ठीक है, तो बहुत ही डीप मैकेनिज्म है. अब ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो मैं दो फैक्टर्स बोलूँगा इंपॉर्टेंट, थ्रस्ट दैट फॉरवर्ड मूवमेंट एंड लिफ्ट. ठीक है, ओके, अगले सवाल पे आते हैं. 66 नहीं है हमारे पास, ये सवाल बच्चों ने मुझे नहीं दिया, ये उन्होंने नहीं लिखा, तो 66 वी डोंट हैव. 67 पे आते हैं. ऑर्गेनिज्म डू एनरोबिक रेस्पिरेशन. एनरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, बेसिकली ये इट इज़ ऑल अबाउट योर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल्सो. सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू फॉर्म एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनएरोबिक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो द आंसर इज अमीबा हियर. ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हैं बेटा जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. हियर द आंसर इज अमीबा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. बेसिकली इट इज़ अ बेस, ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है या एक बेस है. सपोज जिन लोगों को एसिडिटी होती है उनकी एसिडिटी कम करने के लिए वो लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं. सो इट इज़ अ बेस, बेसिकली एसिडिटी को रिड्यूस करता है. ठीक है, नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल आया था. चार ऑप्शन होंगे, तो अभी तो अरुण जेटली. अच्छा, पैरेलल लाइंस ड्रॉन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. ठीक है, अगर ये मेरा इक्वेटर है, अगर ये अगर सेंटर से इक्वेटर, अगर मैं इसके अराउंड पैरेलल लाइंस बनाऊं, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये इनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स. बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में. ठीक है, इसके ऊपर एक लेक्चर ज़रूर करूँगा मैं, इंपॉर्टेंट है.
फैथोमीटर इज वट? फैथोमीटर इज वी यूज विट अ साउंड इकोज, बेसिकली साउंड सिग्नल्स इन ऑर्डर टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन. ठीक है, साउंड सिग्नल से हम लोग डेप्थ फाइंड करते हैं. सो फैथोमीटर इज यूज फॉर फाइंडिंग डेप्थ, डेप्थ ऑफ ओशन. विच टीम वन प्रीमियर बैडमिंटन लीग? ठीक है, ये नेशनल लेवल का एक इवेंट है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग. इसमें अलग अलग कंट्री के बैडमिंटन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे IPL है. ठीक है, वैसे इनके अलग अलग टीम्स हैं अलग अलग नाम से. तो इस बार जो टीम जीती है उसका नाम है बेंगलुरु रैप्टर्स. ठीक है, द आंसर इज बेंगलुरु, बेंगलुरु रैप्टर्स. कैपिटल एंड करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर और करेंसी है इंडियन रुपी ओनली, कुआलालंपुर, एंड करेंसी इज इंडियन करेंसी और इंडियन रुपी. बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क लोकेटेड एट? कर्नाटका. देखो ये भी सवाल आया, कौन से स्टेट में है, क्या है. ठीक है, तो बांदीपुर याद रखना, इट इज़ इन कर्नाटका, बांदीपुर टाइगर रिजर्व. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड विद, दिस इज द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड विद आयरन फॉर मेकिंग स्टील, विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर एंड विच हैज़ अ हाई लेवल हार्डनेस एज वेल एंड एंटी फ्रिक्शनल रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज. सो द आंसर इज क्रोमियम. इफ यू विल एड क्रोमियम विद स्टील, ओके सॉरी विद आयरन फॉर मेकिंग स्टील, इट विल बी high, it will have high resistance to temperature as well as high level of hardness as well as anti-frictional resistivity. So the answer is chromium, science related hai. So these were all the 75 questions beta. I'm very thankful to my students, those who have provided these questions to me. ठीक है, उनके बिना मैं ये question discuss भी नहीं कर पाता ये paper. तो एक ही question missing है बस, उसके अलावा सारे बच्चों ने मुझे questions दिए. ठीक है, हाँ कुछ के ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, लेकिन एक आइडिया हमें मिल गया है करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस आए बेटा. ठीक है, तो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अब दिसंबर वाले के लिए एस्पायर कर रहे हैं या जितने बच्चे हैं जिनके पास दिसंबर वाला अटेम्प्ट से, बेटा अभी से लग जाओ, अभी से जो करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा कुछ स्टैटिक डेटा भी है जो आप लोग पढ़ सकते हो, और अभी से तैयारी करो, डेफिनेटली विल मेक इट इन दिस दिसंबर वाला अटेम्प्ट. ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया GK का, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करना एंड डेफिनेटली शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले. और कमेंट्स ज़रूर लिखना अगर आपको कंफ्यूजन हो या डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं आपको फिर से आई विल रिप्लाई. ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट, गुड बाय.